मेरे नबी का मिलाद, और मिलाद रोकने के वास्ते क्या मीठे मीठे प्यारे प्यारे बात खूब आता लेकर भाई बोलो ना, इतना बड़ा खर्चा वो भी वरंगल में, कम से कम ये पेंडाल, ये स्टेज, ये लाइटा, ये झंडिया, ये कम से कम 1,00,000 रुपए का होगा। इन्हें नबी का कलमा पढ़ के नबी की मिलाद मनाने रो रहा, वो गैर मुस्लिम बेचारा बोल रहा आइंदा से मैच करता हूँ बोल रहा, जो ये बोले गम्मत की बात है देखो सुभान अल्लाह, मैं अच्छा हुआ उसको बाजू वालों के बारे में नहीं मालूम। अल्लाह मिलने रखो दोस्त बिजार जरा बचा के रखो प्लीज, 5 साल तक इसको संभालो जरा अल्लाह का अजीब वो गरीब हंसते है लोगों के लिए। आप जरा गौर करिए मेरे प्यारे भाई, क्या प्यारे प्यारे लड्डू आता है, मौलाना साहब इतना खर्चा करने के बजाय 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 इतने लोगों को खाना खिलाने, 5,00,000 इतना खर्चा करने का, गरीब बच्ची की शादी कर देना था, क्या याद करा बाप, वाह वाह, एंड टाइम पे गरीब की बच्ची याद आ गई। मैं बोला खुदा की खत्म, गरीब की बच्ची वरंगल में एक नहीं 40 गरीब बच्चों की शादी करेंगे, कितने एक जलसा हम लोगों का अगर ये रोक दिए तो 5 गरीब के बच्चों की शादी होती, कितने 5 अहले सुन्नत की कमेटी की तरफ से, वरंगल अहले सुन्नत की तरफ से 5 और 35 बाजू वालों की तरफ। ना बोले हम लोग तो जलसा करते नहीं, हम पैसे देते नहीं, हम बोले हम निकालते ना, हमको आता तुम्हारे घर से पैसे निकालना, हम तो सॉलिड दे दिए मौलाना, तुम जुमा में मुहिम चलाए, बाजू वाले मौलाना मुहिम चलाए, गरीब की बच्ची की शादी करो, पहले मौलाना के घर पूछ जाएंगे। मौलाना के घर में गए, LG 42 इंचेस टीवी बोला निकालो, जरूरी नहीं है ना, ये फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है ना मुस्ताहब है, उल्टा अजाब, निकालो मौलाना के घर में तो टीवी सेकंड हैंड में भी बेचे तो 25,000 मंगला, किचन इधर है आ जाओ, फ्रिज सैमसंग, ओ वेरी गुड, निकालो बाहर की मौलाना के घर से सैमसंग का फ्रिज, इसके 40,000। और एक 2-3 आइटम लिए बाहर निकल रहे थे मौलाना के बच्चे की पल्सर 220 इसके तो 1,00,000 पक्के है, एक मौलाना के घर भी गए 2,00,000 निकले, पूरे वरंगल के मौलाना के घर भी जाएंगे बाजू वाले, और 35 बच्चों की शादी इस मिलाद नबी में करेंगे। मौलाना ने क्या गया हमारे घर में, हाँ टीवी खरीदते वक्त गरीब की बच्ची याद नहीं आई, फ्रिज खरीदते वक्त गरीब की बच्ची याद नहीं आई, अपने बेटे को पल्सर दिलाए गरीब की बच्ची याद नहीं आई, बेटा साइकिल पे फिर सकता गरीब की बच्ची उठती, और क्या मौलाना में बोला तो मेरे घर में पूछ जाते। हम बोले फिर बेटा जब तेरी खुशियों में तू किसी को जरूरत शामिल नहीं कर सकता, तेरी खुशियों में तू गरीब की बच्ची को याद नहीं करता, तेरे घर में ठंडा पानी पीना है तुझे गरीब की बच्ची याद नहीं आई, तेरे को ड्रामे देखना है गरीब की बच्ची याद नहीं आई, तेरे बच्चे को कॉलेज को जाना है गरीब की बच्ची याद नहीं आई, अरे फिर मैं उसको कैसे भूल जाऊं जिस नबी के आने से मुझे ईमान नसीब हुआ है, मुझे नमाज नसीब हुई है, मुझे रोजा नसीब हुआ है, मुझे कलमा नसीब हुआ है, मैं आज मुसलमान बना हूं मेरे बाप की वजह से नहीं आमेला के लाल की वजह से बना। गरीब की बच्ची उरी बच्ची कुछ भी नहीं है, सब ये क्या है मीला से रोकने की एक साइंटिफिक साजिश, साजिश ये बहुत खतरनाक गेम है, गेम हौला बनाने की मशीन है ये, समझे कोई नहीं करता गरीब की बच्ची की शादी, गरीब की बच्ची की शादी करना है तो अपने घर वाली बेटे का वाली माँ, अपने बेटे का वाली माँ दीवान खाने में कर लेना, खाली शादी खाने के पैसों में गरीब बच्ची की शादी हो जाती,
नहीं, गरीब की बच्ची ना शादी में याद आती ना वलीमे में याद आती हूँ। मौलाना साहब हर साल रमजान में उमरा गुजारे एक वक्त कर लिए बस बाबू, हर साल एक गरीब बच्ची की शादी। उन्होंने क्या पड़ता है चंदा रुक जाता जी। बात समझ में आई प्यारो, तुम इनके बातों में आके ठंडे नको पड़ो। गेमा तुम्हारे को नबी से दूर करने की ये साजिश है। इमोशनल हरासमेंट बोलते हैं उसको। बात समझ में आई। तुम अगर तुम्हारे विदात बोले तो तुम जवाब आ दे रहे दलील पे दलील, शिर्क बोले तो दलील, नाजायज बोले तो दलील, सारे दलील। हमें आदमी ने बोला अरे ना विदात बोलो ना शिर्क हराम ना क्या गरीब की बच्ची लोग एंटीक आइटम है ये। समझो मेरे प्यारो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मकरो फरेब को समझो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है खाली जीएसटी समझने के वास्ते नहीं। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है बाहर वालों को भी समझो, अंदर वालों को भी समझो। समझो तुम्हें नबी से दूर किया जा रहा है, नबी की मोहब्बत से दूर किया जा रहा है, नबी की अजमत को घटाने की साजिश। ये मुकम्मल साजिश और ये साजिश 1400 साल से चल रही है, नबी की अजमत को घटाने की साजिश। और अल्लाह ने भी इन नापाक अजायम का रद किया, अल्लाह ने इनकी हकीकतों को कुरान में खोल खोल कर बयान किया। समझने की जरूरत है, ये जो आज नबी की अजमत को घटाने वाले हैं, ये अलग बात है कि इनके नाम हर दौर में अलग 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 रहे, लेकिन इनकी इब्तिदा नबी के जमाने से है। कान खोल कर सुन लो मेरे प्यारे भाई, ये कब से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इन मनहूस अकीदों को कुरान में बयान किया। ये रसूल अल्लाह के दरबार में बैठते थे, सहाबा के बीच में बैठते थे, मस्जिद नबवी में बैठते थे, रसूल अल्लाह से मीठी मीठी प्यारी प्यारी हंस हंस के बातें करते थे। और ये कहते थे हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और हम ईमान वाले हैं। इनकी इस गुफ्तगू को अल्लाह ने कुरान में दर्ज किया, कहा وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ। اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دربار میں بیٹھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، किस पर ईमान लाए? अच्छी बात बोले गलत बात बोले? वेरी गुड, जोर से बोलो अच्छी बात, और जरा जोर से अच्छी बात, अच्छी बात बोले। और फिर आगे क्या करें, वबिल यौमिल आखिर, और हम खयामत के दिन पर ईमान लाए। अच्छी बात बोले गलत बात बोले? हाँ, और कहते वमा हुम बिमुमिनीन, और हम ईमान वालों में से हैं। हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, खयामत के दिन पर ईमान लाए, हम ईमान वाले हैं। सच कहा कि गलत कहा? सच कहा। मगर अब अल्लाह का कलाम सुनिए, अल्लाह इनका क्या जवाब देता है। युखादिउन अल्लाह, ऐ हबीब, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह, वो कह रहे हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, खयामत के दिन पर ईमान लाए, हम ईमान वाले हैं, और अल्लाह कह रहा है ये धोखेबाज है। والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم, जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान लाए और वो अल्लाह को धोखा देना चाहती है, कहकर हबीब वो अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद अल्लाह उनके दिलों का भेद नहीं जानता, वो समझते हैं कि शायद अल्लाह उनके मकरो फरेब को नहीं जानता। देखो ये साजिश रोज़े अव्वल से है, अल्लाह 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 कर रहे हैं, मगर जब बात रसूल अल्लाह की आती है, छोड़ रहे भाई क्या लगा, 600 मरतबा बोली मैं, या नबी सलाम अलैक, मैं बोला जी शिर्क है, बिदअत मक्कारी है, दाल में काला है, यानी तो पूरी दालिच काली है। समझो फरेब को। अब सहाबा ने पूछा,
या रसूल अल्लाह, ये लोग कह रहे हैं अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, अल्लाह इन्हें धोखेबाज कह रहा है, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं कह रहा है, आखिर यूं क्यों कहा गया? तो नबी पाक ने पूछा सहाबियों क्या इन्होंने अल्लाह को देखा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इन्होंने नहीं देखा। सहाबियों क्या इन्होंने कयामत के दिन को देखा? कहा या रसूलल्लाह नहीं देखा। जिसको नहीं देखा उस पर ईमान ला रहा है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह पर ईमान लाए, कयामत के दिन पर ईमान लाए, ना तो अल्लाह को देखे ना कयामत के दिन को। तो जिसको नहीं देखा उस पर तो ईमान ला रहा है। सहाबियों इन्होंने अल्लाह के बारे में किससे सुना? जब इन्होंने देखा नहीं तो ईमान लाए कैसा? या रसूल अल्लाह आपके कहने पर ईमान लाए हैं। सहाबियों इन्होंने कयामत को नहीं देखा मगर ईमान लाए कैसा? या रसूल अल्लाह आपके बताने से ईमान लाए हैं। फिर सहाबियों ये तो कह रहे हैं अल्लाह पर ईमान लाए, ये बदबख्त ये क्यों नहीं कहते कि हम आमेना के लाल पर भी ईमान ले आए? हाँ, इनको सब मैंने बताया, ये सब पर ईमान लाने तैयार है, फरिश्तों पे ईमान लाने तैयार है, किताबों पर ईमान लाने तैयार है, आखिरत पर ईमान लाने तैयार है, सारी चीजों को मानने तैयार है, मगर सारी चीजों का तारुफ कराने वाले हबीब खुदा को मानने तैयार। इसीलिए अल्लाह कह रहा है ये धोखेबाज है। मैंने बोल रहा हूँ अल्लाह कह रहा है ये जो दाढ़ियां छुटी हुई है ना, ये दाढ़ी छोड़ के धोखा दे रहे हैं। ये जो घट्टे हैं ना, ये घट्टे मार के धोखा दे रहे हैं। ये जो टोपियां हैं ना, टोपियां पहन के धोखा दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अल्लाह को मानना उस वक्त मुकम्मल होगा, वहदानियत पे ईमान उस वक्त कामिल होगा जब रिसालत और जाते मुस्तफा पर ईमान ले आया जाए। सरकार के बगैर आप अल्लाह पर ईमान लाएं, खुदा की कसम ये ईमान मुकम्मल। सरकार के बगैर आप खयामत के दिन पर ईमान लाएं, ये ईमान मुकम्मल नहीं है। लाल रुमाल अच्छे पड़े थे, हुकूमत भी ले लिए। अब इमाम हुसैन को जब खत्म करे तो क्या करा? यजीद गली में बैठ बॉल खेला था, हाकिम बन गया था, 3 साल हुकूमत करा मक्के पे, मदीने पे 3 साल हुकूमत करा। इन लोगों तो भी चंदे मंग के काम कर रहे। हाकिम था, हाकिम बादशाह था, मक्के पे मदीने पे हुकूमत करा 3 साल सरकार इमाम हुसैन के खत्म के बाद। तो क्या कर देना, पूरी अहले बैत को, नबी की मोहब्बत को खत्म करके ऐसा हुआ। हाकिम बनने के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं कर सका, पैसे ला 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 के बांटे तो भी कुछ भी नहीं। इतना बुलाए बुलाए भी तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जाने को तैयार नहीं। बुढ़ों को तो छोड़ दो, कहीं को तैयार नहीं है साहब। बात क्या है, कान खोल के सुन लो, बाजू वालों को बोल रहा हूँ कान खोल के सुन लो बेटा। तुम लोग तो अभी 1400 साल से मेहनत करे और 1400 साल तक भी मेहनत करे, खुदा की कसम तुम अहले सुन्नत को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि अहले सुन्नत को किसी हमारे बाप दादा ने नहीं बनाया, अहले सुन्नत को किसी मौलवी या मुल्ला जी ने नहीं बनाया, अहले सुन्नत को किसी वजू करने वाले या मस्जिद में आके मिसवाक रगड़ रगड़ के लोगों को दिखाने वाले ने नहीं बनाया है, अहले सुन्नत को आमिना के लाल ने बनाया है, अहले सुन्नत को फातिमतुज़्ज़हरा के बाबा ने बनाया है, अहले सुन्नत को हुसैन के नाना ने बनाया है, अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अली को, अली के बच्चों को बिठाया है। कयामत तो आ सकती है मगर अहले सुन्नत खत्म नहीं हो रसूल अल्लाह की जमात है। अल्लाह की जमात रसूल अल्लाह की जमात से नहीं लड़ सकती रे। निकाल दो, सेंड करो वीडियो। गली का काउंसलर प्राइम मिनिस्टर से लड़ता, 2-4 को 50-50 रुपए देके पीछे डाल ले सकता, लड़ नहीं सकता।
ये रसूल अल्लाह की जमात है मेरे भाई। ऐसे अब तक 600 आए चले गए, वो जो 73 का जिक्र सरकार करे नहीं, वो हर दौर में बनाएंगे वो 73। सरकार हौसे पाक अपनी किताब बुनियादुत तालिबी में पूरे 73 का जिक्र करे, वो 73 में से अब सिर्फ 3-4 ही बस के पूरे खत्म हो गए। फिर उसके बाद सरकार मुजद्दिद अल्फे सानी 73 का जिक्र करे, उनके दौर में जो थे 73 उसमें से 4-5 रह गए, बाकी के पूरे खत्म। अब जो दौर चल रहा फिर इसमें 73 है। जब हमारे पोतरे आएंगे तो इसमें के भी 3-4 रहेंगे, सब खत्म। कब तक लाएंगे रियाल, कब तक लाएंगे डॉलर? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो, ये रसूल अल्लाह की जमात है। अल्लाह की जमात है, बोलो। हाँ, रसूल अल्लाह की जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब बोले, मौलाना ये मिलादुन नबी में इतने लेटा गई को, मैं पूछा देखो टेंशन गई को? नहीं, टेंशन लेना शैतान का काम है। मिलाद पे टेंशन लेना शैतान का काम है। आशिक का काम जश्न मनाना है। वाह अल्लाह, क्या करना है बोलो? जश्न मनाना है। उनके फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे, यूट्यूब पे दिन रात मेहनत करे, मिलाद नहीं मनाना, मिलाद नहीं मनाना, मिलाद नहीं मनाना, मिलाद इतनी मेहनत करे, करोड़ों रुपया लगा दिया पे। एडिटिंग में 8-8 दिन लग गए, पट्टों को खाली 8-8 दिन लग गए एडिटिंग में, निकाल के 11 रबीउल अव्वल को एक, 10 रबीउल अव्वल को इनका, 8 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में फैला रहे। अरे मैं बोला आई दे, इतने क्लिमा निकल गए, मेरा होता कि नहीं होता की, है कि नहीं कि अब के ठंडी लगती कि नहीं लगती, क्या बात है। अरे जिसके मिलाद का एहतमाम खुदा कर रहा हो, जिसकी खुशियों का एहतमाम खुदा कर रहा हो, उसे मौलवी कैसे बिठा सकता है, उसे मुल्ला खत्म नहीं कर सकता। इनकी जितनी मेहनत हो रही है मैं पलट कर देख रहा हूँ, पूरी दुनिया में उतने ही जोर से